फिर लाया हूँ मेरे ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक सेशन में, जो हर वेंसडे को मैं आप लोगों के साथ लाइव आता हूँ, और मैं आप लोगों के ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनको आंसर करता हूँ। तो उसी तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ इस्लामाबाद से, ताकि मैं आप लोगों के ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनको आंसर कर सकूं। इन केस अगर आप लोग मुझे नहीं जानते, तो मेरा नाम केसर अजीज है और मैं वर्डप्रेस डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ। बेसिकली मैं हूँ मर्दान से और मैंने मलाकंड यूनिवर्सिटी से बीसीएस कंप्लीट किए। तो आज मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ ताकि मैं आप लोगों के ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक जितने भी क्वेश्चन हो मैं उनको आंसर कर सकूं। तो आप लोग भी नीचे कमेंट में अपने सिटी का नाम पोस्ट करें, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोग मुझे कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। इन केस अगर आप लोग इसको रिप्ले में भी वॉच कर रहे हैं, तो भी आप नीचे कमेंट में अपने सिटी का नाम पोस्ट करें, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों को एक्नॉलेज भी कर लूंगा। बाय द वे, अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो भी आप नीचे कमेंट में उसको पोस्ट करें, ताकि मैं उसको रीड कर सकूं और आज मैं जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर सकूं। और ऑलवेज रिमेम्बर, शेयरिंग इज केयरिंग, तो आप इसको शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स में ऐसे लोग भी होंगे जो ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक उसके काफी क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी आए और उसकी क्वेश्चन भी मैं आंसर कर सकूं। पिछले हफ्ते हमारे पास अमित अली का एक क्वेश्चन था कि हाउ टू अर्न थ्रू ब्लॉगिंग, हम ब्लॉगिंग के जरिए जो है ऑनलाइन अर्निंग कैसे करेंगे। तो अमजद अली, बिल्कुल ब्लॉगिंग के जरिए काफी लोग जो हैं बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, और बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ब्लॉगिंग में सिर्फ ये होता है कि आपको एक ब्लॉग क्रिएट करनी पड़ती है, उस पर अपने आर्टिकल देने पड़ते हैं, उसको बिल्कुल ऐसे यूजर फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली, उसको गूगल फ्रेंडली भी बनाए, ताकि एसईओ उसकी बिल्कुल जबरदस्त हो जाए। अगर उसके व्यूअर ज्यादा हो जाए तो आप फिर काफी कंपनीज हैं गूगल वाले आपको एड्स देंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए। लोकल कंपनीज भी हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को सील करने के लिए आपको फिर एक एड देगा। ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो अपने एडवर्टाइजमेंट देते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो भी आप आ सकते हैं, उसके जरिए आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। काफी मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा इसके जरिए अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ब्लॉग स्ट्रांग हो, उस पर आपने आर्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रांग रखे हों और नई नई चीजें आप देते हो, उसको हर रोज तकरीबन हफ्ते में तो दो तीन बार उसको आप अपडेट रखो, ताकि व्यूअर जो हैं वो हर हफ्ते अगर हो सकता है आपसे, तो आप उसको हर दिन जो है वो उसको अपडेट रखें, ताकि लोग हर दिन आपके ब्लॉग को व्यू कर सके और वहां पर आके वो देख सके कि आज न्यू क्या है। तो अगर जितने भी आपके व्यूअर ज्यादा हो जाएंगे तो उतने आपके एडवर्टाइजमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कंपनी आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा देती हैं, गूगल भी देती हैं, गूगल एडसेंस के जरिए आप ले सकते हैं, वहां से भी वहां पर भी एक प्रॉपर वे है। वहां पर आपको अपने ब्लॉग को पहले स्ट्रांग करना पड़ता है, उसको एसईओ फ्रेंडली करना पड़ता है, और उसकी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप एसईओ करो, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट हद करो। फेसबुक पे उसके लिए एक पेज बनाओ, ट्विटर पे उसके लिए एक पेज बनाओ, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए उसको एडवर्टाइज करो, तो आपको वहां से ट्रैफिक भी मिल जाएगी, आपकी ब्लॉग भी वहां से मशहूर होना शुरू हो जाएगी।
तो फिर आप आसानी से जो है एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको एक बार एडसेंस मिल जाए तो उसके जरिए आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। फिर हमारे साथ एक और क्वेश्चन भी था कि व्हाई वी कैन चूज वर्डप्रेस, हम वर्डप्रेस को क्यों चूज करते हैं, बाकी भी काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उसको क्यों चूज नहीं करते, हम वर्डप्रेस को क्यों चूज कर लेते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो है वर्डप्रेस बिल्कुल आसानी से इसकी सेटअप होती है, बिल्कुल आसानी से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं होती जो बाकी प्लेटफॉर्म्स में होती हैं। उसकी सेटअप बिल्कुल जबरदस्त तरीके आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें वो आपको HTML कोडिंग, आपको CSS कोडिंग, आपको JavaScript कोडिंग बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं करनी पड़ती, आपको सिंपली इसको अपडेट कर सकते हैं। बाकी आप इसको इसके जरिए इसमें बहुत ज्यादा थीम्स मिलते हैं, वो यूजर फ्रेंडली भी होती है, SEO फ्रेंडली भी होती है, और मोबाइल फ्रेंडली भी बहुत से थीम्स होते हैं, तो आप आसानी से वहां से एक बिल्कुल प्रोफेशनली डिजाइन आप उठा सकते हैं। काफी थीम्स जो हैं वो आपको फ्री में भी मिल जाती हैं, तो आप वहां से उठा के उसकी सेटअप आसानी से कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से आप में एक इसमें वेबसाइट बना सकते हैं, आप एक ब्लॉग भी बना सकते हैं इसमें बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। इसमें काफी प्लगइन्स होते हैं जो आपको डिफरेंट चीजों की सेटअप प्रोवाइड कर लेते हैं, तो आप वहां से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से फिर उसकी सेटअप कर सकते हैं। SEO के प्लगइन्स मिलते हैं, आप उसकी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप उसकी SEO कर सकते हैं, डिफरेंट एडिटर्स आपको मिल सकते हैं, आप एक मोबाइल फ्रेंडली एंड सर्च इंजन फ्रेंडली आप एक साइट बना सकते हैं। कॉपी थीम्स हैं प्री प्रोवाइडेड हैं, आप वहां से एक थीम उठा के उस पे आप काम कर सकते हैं, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके मुकाबले में ये जो है यूजिंग में बिल्कुल सिंपल है, इसमें वो बात नहीं होती जो बाकी प्लेटफॉर्म्स में आपको कोडिंग करनी पड़ती है। तो आप इसको प्रोफेशनली तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, इसको आप बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें आप आसानी से एक ब्लॉग भी बना सकते हैं। और वर्डप्रेस जो है ये आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा बहुत से लोग जो है ये वर्डप्रेस को तरजीह देते हैं, क्योंकि इसकी मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी सेटअप, इसकी मैनेजमेंट, इसकी अपडेशन जो है बिल्कुल सिंपल है। तो आजकल जो है काफी पॉपुलर भी हैं, बहुत ज्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बने हुए हैं, तो आप भी बना सकते हैं इसमें सिंपली। जैसे कि हम फोटोशॉप पे एडिटिंग करते हैं वैसे ही आप वर्डप्रेस पे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम एमएस वर्ड पे काम करते हैं, किसी चीज को राइट करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, उसी तरह आप वर्डप्रेस पे भी काम कर सकते हैं, सिर्फ कुछ चीजें आपको चेंज करनी पड़ती हैं। बाकी वर्डप्रेस जो है हमारे पास एक ओपन सोर्स है, बिल्कुल अगर आप कोई भी होस्टिंग में इसको इंस्टॉल करना चाहो तो वहां पर आपको ये आसानी से जो है इसकी इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती जो बाकी ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे होती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस, तो वो आपको वर्डप्रेस में आपको करनी नहीं पड़ती। तो हमारे पास एक साजिद दाऊद वाला एक उसने एक क्वेश्चन की थी कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, हम ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हम ब्लॉगिंग की कैसे लेंगे। तो साजिद साहब, ब्लॉगिंग के लिए फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है टॉपिक, किस टॉपिक पे आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं, सिंपली आप टॉपिक चूज करें, उसके बाद आप जो है उसके कंपटीटर्स अपने सर्च करें
कि बाकी लोगों ने कैसी कैसी ब्लॉग्स बनाई है उस टॉपिक पे, आप उसको सर्च करें, उसके डिजाइन को सर्च करें, उसके आर्टिकल्स को सर्च करें, आप वहां से देखें कि उसने कौन से आर्टिकल्स दिए हैं, उसने कौन से ऐसे न्यूज दिए हैं, उसके साथ आप कंपीट करें, उसके व्यूअर्स आप देखें कि इसके जो है कितने व्यूअर्स आते हैं, इसके ब्लॉग कितने नंबर पर है, आप उसकी रैंक चेक कर सकते हैं। तो वह एक दफा अगर आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल आप उसकी कॉपी बहुत ज्यादा डेटा उसकी कलेक्ट करें आप, उसके बाद आप लोकल होस्ट पे आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन होस्ट ना ले, फर्स्ट आप लोकल होस्ट पे, लोकल सिस्टम पे या ऑनलाइन बहुत से प्री होस्टिंग मौजूद हैं, वहां से भी आप जो है एक सेलेक्ट करके वहां पर फ्री आप फर्स्ट बनाए ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए, आपको सारे सिस्टम का पता चल जाए, उसके बाद आप उसको अपलोड करें, फिर उसके बाद आप उसकी आपको करनी पड़ती है एसईओ, कॉपी एडवर्टाइजमेंट उसकी करनी पड़ती है आपको, सोशल मीडियाज पर ऐसे अगर आप कर सकते हैं तो भी आप करो उसकी एडवर्टाइजमेंट, और उसके बाद अगर आपकी ब्लॉग जो है 2-3 मंथ या 4-5 मंथ आप उसको चला लेते हो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, उसको अपडेट करके उसमें न्यू चीजें ऐड करके अगर आप उसको अपडेट रखो तो आपके व्यूअर्स भी ज्यादा हो जाएंगे, आपको गूगल वाले भी आपको तरजीह देंगे, आपकी ब्लॉग को आहिस्ता आहिस्ता वो भी रैंक करेंगे कीवर्ड्स के जरिए, फिर अगर आप उसमें स्ट्रांग कीवर्ड्स डालते हो तो उसके जरिए वो भी वो जो है वो उठा सकता है। तो उसके बाद आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, अगर आपको एडसेंस मिल जाए तो गूगल आपको डिफरेंट एड्स देंगे, वहां पर सिंपली उसको आप अपने ब्लॉग में ऐड करोगे और उसके व्यूअर्स और इम्प्रेशंस डिफरेंट क्लिक्स के आपको फिर उसकी बजट मिलती है, तो उस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। साजिद साहब ने एक और क्वेश्चन भी की थी कि अदर वेज टू अर्न ऑनलाइन मनी, और भी काफी तरीके हैं आप जो है फ्रीलांसिंग के जरिए आप कर सकते हैं, एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करके आप कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको आती है तो वो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क हैं, फाइवर हैं, फ्रीलांसर हैं, और भी पीपल पर आवर हैं, काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आपको अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं, वहां पर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसको डिलीवर करते हो आप, और उसके बदले में क्लाइंट्स जो हैं आपको पैसे देते हैं जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वहां पर साइन हुआ हो, तो उस तरीके से भी आप अर्न कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग जो हैं उस तरीके से अर्न कर रहे हैं, मैं भी खुद पाइवर पे अर्न कर रहा हूं, अगर आपको फाइवर के बारे में नहीं पता तो फाइवर पे मिलियंस लोग जो हैं वहां पर बिजनेस करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सेलर्स, और बायर जो हैं वहां पर अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवा के उसको बजट देती है सेलर को। तो सिंपल तरीका है, सिंपल प्रोसेस है, अगर आपको प्रोसेस नहीं पता तो आप मैसेज करके सिंपली आप मैसेज करें और आपको सब इंफॉर्मेशन जो है सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। हमें ज्वाइन की है जहांगीर मोहम्मद ने, जहांगीर मेमन ने हमें ज्वाइन की है, ग्राफिक डिजाइनर प्लेयर पोस्टर गिग के लिए टैग्स बताएं। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अगर आप उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में आप कौन से कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, आप कार्ड्स बना रहे हैं, आप जो है फोटोशॉप एडिटिंग कर रहे हैं, आप इमेजेस एडिट करवाना चाहते हैं, जो भी आप लोगो बना रहे हैं, आप बैनर बना रहे हैं, कौन सी कैटेगरी पे आप जाना चाहते हैं, वहां पर आप कंपटीटर्स सर्च करें, बहुत से ग्राफिक डिजाइनिंग के गिग्स मौजूद हैं ऑलरेडी, वहां पर आप सर्च करें कि कौन से गिग्स जो हैं, कौन से कीवर्ड के जरिए ऊपर आपको नजर आती हैं, उसको आप सर्च करें,
सिंपली आप ऊपर जो है सर्च में आप लेके जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेते हो वहां पर आप लिखें लोगो, अगर आप लोगो डिजाइनिंग करते हो तो वहां पर सिर्फ लोगो लिखो, नीचे आपको काफी कीवर्ड वहां पर भी आती है सिंपल उस पर एक रिसर्च करके। अगर फिर भी आपको वहां पर आइडिया क्लियर नहीं होता तो वहां पर आप लोगो डिजाइनिंग सर्च करके आपको नीचे बहुत सारे गिग्स नजर आएंगे, तो वहां पर 3-4-5 या 6-7 गिग्स आप ओपन करें और उसके नीचे आप देखें कि उसने कौन कौन से टैग्स जो हैं यूज किए हैं, तो उससे जो भी आपको अच्छी लगे बिल्कुल फिट लगे आपके सर्विस के मुताबिक आपके जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो ग्राफिक डिजाइनिंग में, अगर आप लोगो डिजाइनिंग प्रोवाइड करते हो तो लोगो डिजाइनिंग के मुताबिक आप वहां पर सर्च करो, नीचे वहां पर आपको गिग्स में टैग्स नजर शो होगी। नीचे अगर आप गिग के नीचे जाओगे जो भी जिस आदमी का भी गिग हो अगर आप उसको ओपन करो तो नीचे वहां पर आपको टैग नजर आएगी, जो आपको पसंद ना आए उसको खत्म करें लेकिन बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना करें जो उसने भी दी है। अगर आप भी वो देंगे तो हो सकता है कि आपको फाइवर वाले पकड़ ले, तो वहां पर कुछ वर्ड्स आप डिफरेंट दे दें, डिफरेंट गिग से आप उठा लें, वहां पर एक एक वर्ड्स एक एक से उठा लें जो आपको अच्छे लगे, आपको लगे कि लोग ये सर्च करते हैं, अपने आप को इज अ बायर समझो और ऐसा करो कि आप अगर आपको किसी लोगों की जरूरत है तो आप क्या सर्च करोगे फाइवर पेपर्स, वो कीवर्ड आप लिखो, उसके जरिए आपको काफी बहुत ज्यादा सजेशन देंगे फाइवर। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते जहांगीर साहब, और फोटोशॉप वर्क गिग्स के टैग्स भी बताए, फोटोशॉप के लिए भी आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीका, आप फोटोशॉप सर्च करें ऊपर सर्च में आपको नीचे काफी बहुत ज्यादा गिग्स नजर आएंगी। मैं खुद फोटोशॉप एडिटिंग का सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूं, तो मैंने फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप एडिट, फोटोशॉप एडिट इमेजेस, रिसाइज इमेजेस, डिफरेंट टैग्स मैंने दिए हैं वहां पर भी। सिर्फ आपकी रैंकिंग सिर्फ टैग्स पे डिफेंड नहीं करता, आप उस कीवर्ड्स को जो आप टैग्स में देखते हैं तो वो आप यूज करो डिस्क्रिप्शन में भी, डिस्क्रिप्शन में अगर आप उसको यूज करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से उसकी रैंक आपको मिल सकती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको सर्च करो, उससे ऊपर आप टाइटल में भी उसको सर्च करो, सॉरी उसको ऐड करो, जिस तरीके से भी आप ऐड करवाना चाहते हैं तो उस तरीके से आप ऐड करते जाओ टाइटल में भी, वो कीवर्ड आप जरूर दें जो आपने टाइटल में यूज की हो, जो भी कीवर्ड्स हो आप वो जरूर अपने डिस्क्रिप्शन में और नीचे टैग में उसको जरूर आप यूज करें, ये आपको बहुत ज्यादा रैंक में आपको ये बिल्कुल मदद दे सकता है। जहांगीर साहब कह रहे हैं कि प्लेयर पोस्टर और बिजनेस कार्ड और प्लेयर पोस्टर के आप गिग्स देके, मैंने खुद ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए, तो आप ऐसा करें मैं आपको टेक्निक्स जो मैं खुद भी कभी कभार यूज करता हूँ आप ऊपर सर्च में लेके प्लेयर पोस्टर्स एंड फर्स्ट आप एक कीवर्ड को सर्च करें, उसके टैग्स आप निकाले, देन आप जो है बिजनेस कार्ड के आप फिर कीवर्ड सर्च करें, उसके टैग्स आप निकाल लें, ये सब कुछ आपको निकालना पड़ता है जो भी फाइवर जो है उसको रैंक करता है उसी को आप उठा लें और अपने गिग्स में उसको दे दें, लेकिन उसके जरिए आप डिस्क्रिप्शन भी उसके हिसाब से रखें और टाइटल भी उसके हिसाब से आप स्ट्रांग रखें, तो ये आपको, और एक वीडियो आप जरूर ऐड करें, खुद बना लें, अपने आप की बना लें या जो है ऐसे कोई वीडियो डिजाइनिंग के आप दे दें, सर्च करके डिफरेंट गिग्स के वीडियो आप देखें और खुद काफी जो है सॉफ्टवेयर्स हैं उसके जरिए आप उसको
एडिट करें कि मिटाशिया हैं और एडाब वो क्या क्या है एडाब वी वीडियो भी हैं और अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन चलो मैं आपको बता लूंगा जब भी मेरे जहन में आए। मेरे साथ इंस्टॉल भी हैं, लेकिन आपको तो पता है कभी कभार होता है ऐसा है कि आपके सामने एक चीज पड़ी होगी लेकिन आपको उसका नाम जो है वो जहन में नहीं आ रही हो। तो आप सिंपली आप जो है किमिटाशिया यूज करें, वहां पर आप आसानी से आप एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी एडिटिंग हो आप वहां से आसानी से कर सकते हैं। तो जहांगीर साहब कह रहे हैं कि टेक्स्ट तो नजर नहीं आते किसी का, गिग्स खोलो तो बिल्कुल आते हैं जहांगीर साहब। अगर आप सर्च करें, मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट लेके मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। नीचे अगर आप गिग्स में जाओगे सबसे नीचे बिल्कुल जो रिव्यूज होते हैं उससे भी अगर आप नीचे चले जाओ तो वहां पर भी आई थिंक आपको शो होंगे, वरना रिव्यू के ऊपर आपको शो होंगे। आप देखो अपने गिग्स, आप पहले देखो कि आपने जो टैग्स दी हैं वो कहाँ पर शो हो रही हैं, फिर आप डिफरेंट लोगों के टैग्स देखो कि वो कहाँ पर शो हो रही हैं, तो आपको नजर आ जाएंगी कि उसने क्या क्या जो है टैग्स उसने ऐड की हैं। तो बिल्कुल नजर आती हैं जहांगीर साहब, अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से आप नीचे नहीं गए होंगे, वहां पर सब कुछ आपको फिर नजर आ जाएंगी। तो एक बाई ने क्वेश्चन की थी कि हम फेसबुक के जरिए हम अर्निंग कैसे करेंगे, फेसबुक के जरिए हम पैसे कैसे बनाएंगे। तो फेसबुक के भी डिफरेंट तरीके हैं, उसके जरिए आप जो है पैसे बना सकते हैं। आजकल काफी मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी एंटरटेनर्स एक पेज है, वहां पर भी अगर आप उसको देखें तो उसके लाइक्स हैं मेरे ख्याल से 10 लाख अबाव हैं उसके लाइक्स। अगर आप उसको देखें तो उसने काफी जोक्स दी हैं, उसने डिफरेंट चीजें जो हैं अपने पेज में ऐड की हैं, तो उसको उसने इस हद पे लिया है कि वो उसके लाइक्स जो हैं 10K के अबाव हैं। तो अब लोग डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट लोग अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए, अपने वेबसाइट्स को एडवर्टाइज करने के लिए वहां पर आते हैं और उससे उसकी एडवर्टाइजमेंट का कहते हैं कि मैं अपनी साइट को एडवर्टाइज करना चाहता हूं, तो फिर सिंपली वो उसका लिंक शेयर कर देते हैं और उसके साथ उसकी बात होती है। जितने भी व्यूवर्स होते हैं, जितने भी उसके हिसाब से उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है, तो उसके जरिए वो चार्ज कर लेते हैं डिफरेंट डेज की, वो डिफरेंट पेमेंट जो है वो चार्ज कर लेते हैं। कोई लोग जो है 5 to 10,000 व्यूवर्स के कोई और चार्ज करते हैं और डिफरेंट रेट्स वो देते हैं अपने तरीके से। आप ग्रुप्स भी बना सकते हैं, आप पेज भी बना सकते हैं, उसको स्ट्रांग करें, उसको ऐसा करें कि लोग आ जाएं वहां पर, लोग अट्रैक्ट, आप लोगों की अट्रैक्शन को बिल्कुल पालें। तो अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, आप फेसबुक पे पैसे कमाना चाहते हैं, तो बेस्ट वे ये है कि आप एक पेज बनाए या ग्रुप बनाए, वहां पर आप लोगों को एंगेज रखें, उसको अपडेट करते जाए, उसकी एडवर्टाइजमेंट खुद भी करें। डिफरेंट तरीके से काफी सोर्सेज आपको प्रोवाइड होंगी, आप सर्च करें उसके बारे में तो आपको उसका आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। फेसबुक जो है ये खुद आपको गूगल की तरह आपको पेमेंट नहीं करती, उसके आपको डिफरेंट कंपनीज के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके जरिए जो है आप कमा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए देते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो अपने वेबसाइट्स को एडवर्टाइज करने के लिए देते हैं डिफरेंट ग्रुप में, तो उसके जरिए आप आसानी से बहुत ज्यादा पैसे आप बना सकते हैं।
मोहम्मद मुनीब कहते हैं कि डियर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड नॉर्मल साइकोलॉजी प्लीज टेल मी हाउ कैन आई वर्क ऑन फाइवर। बिल्कुल आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं ऐसे लोग देखता हूँ कि वो बिल्कुल कंप्यूटर के साथ रिलेटेड भी नहीं है, वो उसकी कैटेगरी कोई और होती है, उसकी सब्जेक्ट कोई और होती है, लेकिन यहाँ पर फोटोशॉप के जरिए, यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन के जरिए, यहाँ पर कंटेंट राइटिंग के जरिए बहुत लोग जो हैं बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको फिर भी कुछ भी ना आता हो तो फोटोशॉप तो एक छोटे बच्चे को भी आती है कि वो फोटोशॉप के जरिए कैसे काम कर सकता है। आपको फिर भी फोटोशॉप का यूज ना आता हो तो आपको सिर्फ इमेजेस रिसाइजिंग का जो है वो भी आपको आती होगी। सिर्फ सिंपली आप जो है इमेज को रिसाइज करके अपने क्लाइंट को दे सकते हो। डिफरेंट लोग होते हैं जिसके इमेजेस जो है उसकी साइज बड़ी होती है और वो अपने साइट में, अपने फेसबुक में उसको ऐड करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी साइज बड़ी होती है तो उसको रिसाइज कर देते हैं, तो फिर वो डिफरेंट लोगों को देते हैं। मेरा खुद एक रिसाइजिंग का सिर्फ फोटोशॉप इमेजेस रिसाइजिंग का मेरा एक किक है, उसमें तकरीबन मैंने 20-25 ऑर्डर्स मैंने उस पर कंप्लीट किए हैं। सिंपली 5 मिनट्स का काम होता है, आपको सिर्फ उसको रिसाइज करना पड़ता है और आप उसके $5-$10 उसको उसकी पे कर लेते हैं। काफी ऐसे मैंने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं जो मैंने टू मिनट्स में मैंने उसको कंप्लीट की है और उसने वो इतना खुश हो जाता है उसकी स्पीड की वजह से और काम की वजह से कि वो $10-$15 वो टिप भी दे देते हैं। अगर आप सोच लो, अगर आप 5 मिनट्स में आप $15-$20 बना सकते हैं तो आप मंथली के कितना बना सकते हैं। आप सर्च भी करो फाइवर पे, जो सर्च है वहां पर अगर आप सर्च करो इमेज रिसाइजिंग का तो आपको डिफरेंट गिग्स नजर आएंगी, वहां से भी आप सिंपली आइडिया ले सकते हैं। मोहम्मद मुनी साहब कह रहे हैं कि कैन आई राइट एन आर्टिकल प्लीज टेल। बिल्कुल आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आर्टिकल्स में सिर्फ ये होता है कि आपको प्लेजरिज्म चेक करनी पड़ती है कि आपका जो आर्टिकल है वो तो कॉपीराइट नहीं है। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल्स देके उसको, उससे आइडिया लेके उसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके उसको लिख ले आप, तो मेरे ख्याल से 0% उसमें फिर प्लेजरिज्म होगी। आप वहां पर जो भी टॉपिक आप फर्स्ट आप सजेस्ट करोगे अपने माइंड में उस पर आप ट्राई करो, डिफरेंस देखो, आप डिफरेंट आर्टिकल्स देखो, उसको उठा लो, उसको एडिट करो, उसमें वर्ड्स चेंज करो, उसमें सेंटेंसेस चेंज करो, उसकी आइडिया जो है अपने अल्फाज में लिखो और फिर उसकी डिफरेंट टूल्स मिलते हैं। एक है स्मॉल एसईओ टूल, उसके जरिए भी आप उसकी प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको वो रीराइट भी कर लेते हैं, इतनी आसानी दी है स्मॉल एसईओ टूल वाले ने। आप सिर्फ गूगल पे सर्च करें स्मॉल एसईओ टूल तो आप उस साइट को देखो तो आपकी सारी आइडिया जो है कंटेंट राइटिंग की आपकी वहां पर भी क्लियर हो सकती है। आप एक आर्टिकल उठा के वहां पर आपकी प्लेजरिज्म देखें तो वहां पर वो आपको शो कर देगा कि आपके आर्टिकल में 80%, 90% या 100% आपका आर्टिकल जो है ये कॉपीराइट है, आप इसमें चेंजेस करें। वो आपको चेंजेस भी शो करवा लेते हैं कि ये जो है ये कॉपीराइट है, आप इसको चेंज करवा लेते हैं, तो वहां से आप उसको रीराइट भी कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन होता है रीराइट का, उसको आप क्लिक करके वहां से आप उसको रीराइट करें, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि वो सेंटेंसेस और जितने पैराग्राफ्स होते हैं वो सब बिगाड़ लेता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने अल्फाज में, अपने वर्ड्स में उसको लिख लें तो उसमें फिर प्लेजरिज्म का आपको कोई भी इशू आपको नहीं आएगी। अगर आप उसको प्लेजरिज्म के जरिए आप उसको अपलोड करोगे, क्लाइंट को भी दोगे, अगर आप फाइवर पे सर्विस प्रोवाइड करते हो
वो आपको एक टॉपिक देते हैं कि आप इस पे मुझे जो है 20 या 10 या 5 आर्टिकल्स मुझे चाहिए। तो अगर आप उसको डिफरेंट आर्टिकल्स आप उठा लेते हैं तो उस वो फिर एक कॉपीराइट बन जाता है। अगर आप उसको तो वो चेक कर लेता है कि इसमें प्लेजरिज्म है कि नहीं। वो भी ये डिफरेंट टूल्स वो भी यूज कर लेते हैं, ज्यादातर जो है ये स्मॉल एसईओ टूल ये यूज कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंट लोग काफी और भी टूल्स हैं वो यूज कर लेते हैं। तो क्लाइंट्स को पता चलता है कि इसने कितनी कॉपीराइट मटेरियल्स उठाए हैं। तो आप कोशिश करें कि उसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके लिखे। काफी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि उसके पास आर्टिकल्स होते हैं, ऑलरेडी उसके आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन उसमें प्लेजरिज्म्स होती है। तो वो फिर आपको सेंड कर लेते हैं कि ये मेरे आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये मैंने उठाए हैं कहीं से, लेकिन इसमें कॉपीराइट का मसला अभी भी है। तो आप उसको चेक करके उसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके आप उसको स्मॉल एसईओ टूल में सर्च करके देखो कि कौन कौन सी चीजें जो है वो प्लेजरिज्म में आती हैं, उसको आप रिमूव करें और अपने अल्फाज में उसको लिखें। तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल जबरदस्त है। थैंक्स, आई शैल डू दिस। वेलकम मुनीब साहब, आप बिल्कुल आ सकते हैं, आप कर सकते हैं, जो भी आप आर्टिकल लिखें तो इंशाल्लाह जरूर आप कर सकते हैं। आई शैल राइट माई ओन रिसर्च। बिल्कुल आप जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको नेक्स्ट भी आपको फाइनल सेमेस्टर अगर आपको आया तो आपको वहां पर रिसर्च करना पड़ेगा डिफरेंट चीजों पे। तो अभी से आप स्टार्ट ले डिफरेंट चीजों पे आप रिसर्च करना, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बिल्कुल लास्ट में आपके लिए बिल्कुल बेटर रहेगा, आपके लिए जबरदस्त रहेगा। अगर आप एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहते हैं तो जरूर आप स्टार्ट करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा फाइवर पे आप स्टार्ट करें। अगर आप फाइवर आपको प्रॉपर उसकी सेटअप आपको पता नहीं है कि ये काम कैसा करता है, मैं ऑर्डर कैसे लूंगा, डिफरेंट प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करूंगा, तो आप सिंपली मैसेज करके आप सारे इंस्ट्रक्शन आप ले सकते हैं, आपको पूरी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो सिंपली आपको एक मैसेज करना पड़ेगा, बाकी इंशाल्लाह आपको कंप्लीट जो ट्रेनिंग है वो आपको प्रोवाइड होगी। तो थैंक यू व्यूअर्स कि आपने मुझे ध्यान की आज के मेरे ऑनलाइन सेशन में। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वेंसडे पाकिस्तानी टाइम 8 PM को आप लोगों के साथ दोबारा इंशाल्लाह ऑनलाइन आऊंगा। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको रीप्ले में भी वॉच करके आप अपने क्वेश्चन को कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको जल्द से जल्द एक्नॉलेज कर लूं। और साथ साथ आप नोटिफिकेशन को आप ऑन रखें ताकि जब भी हमारा ऑनलाइन अर्निंग के मुताबिक जो सेशन है ये स्टार्ट होता है तो फेसबुक आपको नोटिफाई करे कि ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गया है कैसर अजीज के साथ वेंसडे को 8 PM को। तो फेसबुक आपको साथ साथ नोटिफाई करे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।